हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इनपुट कर रखे हैं जो कि जुरिस प्रोडेंस का है। इसमें आज देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के चांसेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एक्ट रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। पहला ऑप्शन कॉस्मेटिक एक्ट, एमटीपी एक्ट, पेटेंट एक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एक्ट रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन जो होगा वो राइट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड टू बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट। फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, अब यहाँ होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट वन, तो इसमें से किसको छोड़ के, राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो एक्सेप्ट किस में रहेगा, किसको छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट केमिस्ट इन इंडिया, यानी पहला केमिस्ट इन इंडिया में कौन था। पहला ऑप्शन बेथगेट, दूसरा ऑप्शन एरिस्टोटल, तीसरा ऑप्शन गैलेन, चौथा ऑप्शन रामनुजन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बेथगेट। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन्स बाय, यानी जो सेंट्रल रजिस्टेंस होती है वो मेंटेन बाई किसके द्वारा, सेंट्रल काउंसिल, पीसीआई या एआईसीटी या स्टेट काउंसिल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द पीसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948, 1989, 1949 या 1950। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1989। अगला क्वेश्चन है, सी एम ओ ऑफ स्टेट कम्स अंडर कंपोजिशन ऑफ इलेक्टेड नंबर मेंबर, एक्स ऑफिसो मेंबर्स या नॉमिनेटेड मेंबर्स या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई सिक्स मेंबर इलेक्टेड बाय किसके द्वारा वो इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने जाते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी या एआईसीटी या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, यूजीसी। अगला क्वेश्चन है, द फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड इब्री, यानी उस फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट होता है प्रत्येक कितने साल में, 10 ईयर, 15 ईयर, 5 ईयर या 6 ईयर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा 6 ईयर, इब्री 6 ईयर। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज द पर्सन हु शुड बी, पहला ऑप्शन क्वालिफाइड इन फार्मेसी कोर्सेज, दूसरा नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, तीसरा ट्रेंड इन एनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल डिस्पेंसिंग ETC या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ट्रेंड एनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल डिस्पेंसिंग ETC। अगला क्वेश्चन है, इन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल सिक्स मेंबर नॉमिनेटेड बाई कौन नॉमिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, MCI, सेंट्रल गवर्नमेंट या AICT। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल इज, पहला ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट एनालिसिस या चीफ मेडिकल ऑफिसर या द कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो द कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल इज, पहला डिजाइन ऑफ द एडुकेशन एंड पैटर्न या एडुकेशन रेगुलेशन या गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या ऑल ऑफ द एबव।
तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है, द इंस्पेक्टर रिपोर्ट टू द आफ्टर इंस्पेक्शन सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट या ज्वाइंट स्टेट काउंसिल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल या फ्रेंचाइज ऑफ फार्मेसी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पीसीआई इन चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फिफ्थ, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर थर्ड या चैप्टर सेकंड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो होगा उस राइट ऑप्शन होगा, यानी चैप्टर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट वाज स्टडीड इन पहला चैप्टर फोर्थ, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर सेकंड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा चैप्टर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, ए रिवॉल्यूशन स्टैंड बाय होम टू कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड नॉन इफेक्टिव ड्रग्स, सी एन चोपड़ा, बोस एसियन, आर्यन चोपड़ा या हेरून जाफर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा आर्यन चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फाइव मेंबर, फोर मेंबर, सिक्स मेंबर या टू मेंबर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सिक्स मेंबर। अगला क्वेश्चन है, ये पर्सन हुज नेम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ अदर स्टेट शैल अगेन रजिस्टर इन अदर स्टेट ऑन स्पेसिफिक पेनल्टी, दे कैन रजिस्टर नॉट इंटेल्ड टू रजिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अपॉन एंट्री ऑफ द नेम ऑफ पर्सन इन रजिस्टर द रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू टू हिम प्राइस, एप्लीकेशन फॉर्म, रिसिप्ट या सर्टिफिकेट। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर इन कंडीशन इफ हिज नेम हैज बीन इंटर इन रजिस्टर बाय एरर, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन एनी प्रोफेशन, इफ ही डज नॉट गेट रिन्यू ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज मेनी स्टेट काउंसिल डिसाइड टू मेक एन इंडिविजुअल काउंसिल, टू आर मोर स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्री दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ वन स्टेट इज टू सर्व या द पीसीआई इलेक्टेड दिस काउंसिल या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑफेंसेज ऑफ फार्मेसी एक्ट आर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फेलियर टू सराउंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डिस्पेंसिंग बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी ए फार्मासिस्ट 100 आवर्स, 500 आवर्स, 300 आवर्स या 800 आवर्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 500 आवर्स। अगला क्वेश्चन है, पेनल्टीज ऑन अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट फाइन अप टू 5000 आरएस 1 फर्स्ट विक्टेशन एंड 1000 ऑफ ऑन सेकंड कन्वेक्शन एंड 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट या फाइन अप टू 8000 आरएस ऑन फर्स्ट
कन्वेक्शन एंड 15,000 आरएस वन सेकंड कन्वेक्शन एंड वन ईयर इम्प्रेसमेंट ओनली 1,000 आरएस फाइन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।